नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तेजी से करेंगे थोड़ा सा, मतलब जल्दी चैप्टर कवर हो जाए ताकि। अब इसमें पहले तो जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका यूज फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग, प्लास्टिक और ड्रग बनाने के लिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख रखा है। उसके बाद अब एल्डिहाइड इन एल्डिहाइड एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ। अगर कार्बोनिल ग्रुप से क्या लगा हुआ है, एक एल्काइल मतलब कार्बन ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर से देखते हैं, एल्डिहाइड अगर तब बोलेंगे जब एक कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्डों से हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप से अगर दोनों एल्काइल लगे हुए हैं तो कीटोन हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्काइल लगा हुआ है, दूसरा जो है ओएच लगा हुआ है तो मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो हो जाएगा कार्बोनिलिक एसिड। और अगर कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्काइल और दूसरे पे हैलोजन लगा हुआ है तो हो जाएगा एसाइल हैलाइड। और कार्बोनिल ग्रुप से एक एल्काइल दूसरा एमीन लगा हुआ है तो हो जाएगा एमाइड। ठीक है, और जो इधर ईस्टर और एसिडिक एनहाइड्राइड है ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। ओके, अब आ जाते हैं इस पैराग्राफ पे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है प्लांट और एनिमल किंगडम में वाइड स्प्रेड पाए जाते हैं। जैसे इनका यूज एड फ्रेग्रेंस और फ्लेवर उसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड का यूज किया जाता है। वेनिला बीन से वेनिलिन निकाला जाता है, मेडोसीड से सैलिसिलडिहाइड प्राप्त किया जाता है, सिनामिन से सिनेमल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इनकी वेरी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वेनिलिन का दे रखा है स्ट्रक्चर और सैलिसिलडिहाइड का, मतलब बेंजाल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर ओएच लगा हुआ है तो हो जाएगा क्या सैलिसिलडिहाइड। ऐसे सिनेमल्डिहाइड है, बेंजीन से CH डबल बॉन्ड CH CHO लगा हुआ है तो हो जाएगा सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, तो वेनिलिन, सैलिसिलडिहाइड और सिनेमल्डिहाइड का स्ट्रक्चर माइंड में सेट होना चाहिए। अब इनका मेनली जो होता है फूड प्रोडक्ट और फार्माक्यूटिकल, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का यूज मेनली फूड प्रोडक्ट का फार्माक्यूटिकल में फ्लेवर ऐड करने में किया जाता है। आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं, पहले जो ये देख लीजिए कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे बोलेंगे इसमें, मतलब किस कार्बन के अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के केस में। तो ये तो सिंपल सा एस्टाल्डिहाइड है, दो कार्बन का एल्डिहाइड है तो एस्टाल्डिहाइड हो जाएगा। ये बेंजाल्डिहाइड है, इसमें अल्फा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड में अल्फा बीटा गामा बता रखा है। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा, तो सी डबल बॉन्ड हो जो कार्बोनिल कार्बन है उसके राइट या लेफ्ट, अगर इधर भी होता कार्बन तो अल्फा कार्बन कहलाता, लेकिन फिलहाल इधर कार्बन है नहीं, इधर देखते हैं तो कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा होगा, उसके बगल वाला बीटा होगा और उसके बगल वाला गामा होगा। ऐसे अगर इधर भी कार्बन होता तो अल्फा होता, जस्ट से मतलब फर्दर बीटा गामा डेल्टा हम नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब आईपैक नेम करना है, पहले कुछ कंपाउंड का नाम देख लेते हैं। कीटोन के कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे दो कार्बन का तीन मतलब, और एसीटोन मतलब कीटोन तो मिनिमम तीन कार्बन चाहिए, कार्बन कार्बन अगर कीटोन है तो उसमें मिनिमम तीन कार्बन चाहिए तभी वो कीटोन होगा। जैसे तीन कार्बन का एसीटोन है, रिस्टोफेनोन है C6H5CO CH3, प्रोपियोफेनोन है और ये बेंजोफेनोन C6H5CO CH5 है। ठीक है, अब आईपैक नेम पे आते हैं। आईपैक नेम में अगर एल्डिहाइड है तो उसका नेम हो जाएगा एल्कीन का जो ई है हटा के उस पर लगा दिया जाएगा अल, और कीटोन है तो एल्कीन का ई, सॉरी फिर से बोल देते हैं, एल्केन का ई हटा के लगा दिया जाएगा अल, और अगर कीटोन है तो एल्केन का ई हटा के वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा ओन। इस प्रकार से एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा एल्केनल और कीटोन का नाम हो जाएगा एल्केनोन। ऐसे कार्बोनिक एसिड जब आएगा उसमें पढ़ेंगे एल्केनोइक एसिड। ठीक है, अभी एल्डिहाइड कीटोन का देख लेते हैं। जैसे हमें कुछ आईपैक नेम दे रखा है उसको चेक करते हैं कैसे करेंगे। दो कार्बन का है 1 2, तो ये हो जाएगा क्या इथेनल हो जाएगा। ठीक है, अंत में बस अल जोड़ना है, एल्केन का ई हटा के अल जोड़ना है। अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे से करेंगे तो जिधर फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर रही है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, देन सबस्टिट्यूएंट को देंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे जल्दी मिलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका हो जाएगा क्या 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेनल। ऐसे इसका भी कर लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका आ जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, ये साइक्लोहेक्सीन कार्बोनिलडिहाइड है। ठीक है, और इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 इनल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, यानी 1 फेनाइल प्रोपेन 1 ओन हो जाएगा। सिंपल सा नेमिंग करनी आती होगी आई होप। इसका हो जाएगा क्या
किधर से नेमिंग करना, इसमें तो दो फंक्शनल ग्रुप लग रहे हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इधर सी एच ओ है, यहाँ पे सी ओ है बीच में, तो इसके लिए प्रायोरिटी आर्डर देना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी आर्डर बना रखा है एन सी आर टी में, क्लास 11 में बना रखा है, जहाँ पे तो पहले प्रायोरिटी आर्डर में पहले एल्डिहाइड आएगा, देन कीटोन आएगा। तो एल्डिहाइड को नंबरिंग फर्स्ट करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा क्या, 3-ऑक्सीपेंटेनल। इसमें क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप मतलब कीटो ग्रुप है वो बीच में आ रहा, तो नंबर किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी या उधर से भी। तो इसका जाएगा 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन, ऐसे इसका भी कर लेंगे। 4 नाइट्रोबेंजल डिहाइड आ जाएगा, इसका जाएगा प्रोपेन 1,2,3-ट्राईकार्बल डिहाइड आ जाएगा। ठीक है, टेबल देख लेते हैं। टेबल में एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्डिहाइड उसको बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड, और इसका आईपीएक नेम चूंकि एक कार्बन का है तो मेथ मतलब मिथेनॉल हो जाएगा, दो कार्बन का है तो इथेनॉल हो जाएगा, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसमें ब्रांचिंग है तो नेमिंग करके करते पता करेंगे देखेंगे तो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो नेमिंग हो जाएगी, नेम जो है मेन जो है इसका ये पेंटेनल, पेंटेनल का कॉमन नेम पता होना चाहिए, पेंटेनल को बोलते हैं वैलेरा एल्डिहाइड, और प्रोप टू इनल को बोलते हैं एक्रोलीन। ठीक है, और बेंजीन 1,2-डाइकार्बल्डिहाइड को बोलते हैं थैल्डिहाइड, मतलब बेंजीन पे अगर उस फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे सीएचओ लगा हुआ है तो हो जाता है थैल्डिहाइड। ऐसे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में थैलिक एसिड, थैलिक एसिड हो जाता है जब बेंजीन पे 1,2 कार्बन पे सी ओ एच ग्रुप लगा रहेगा, तो होता है बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वही होता है थैलिक एसिड। ठीक है, ये तीन नाम याद रहना चाहिए, एक्रोलिन थैलिल्डिहाइड और वेलेरा एल्डिहाइड, और लास्ट वाला मेसिटिल ऑक्साइड, मिथाइल ऑक्साइड का जो होता है ये इसका आईपीएक नेम हो जाएगा 4-मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, ये तो आईपीएक नेम है और उसका कॉमन नेम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिंपल है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब चीज जैसे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर से देख लेते हैं, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, तो इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, इसका जो शेप आएगा स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, और बॉन्ड एंगल sp2 पे 120 डिग्री आता है, बस इसमें यही स्ट्रक्चर में ये लिख रखा है कि इसका जो बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा, और जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल कोप्लानर होगी। एसपे सिग्मा बॉन्ड बाई बॉन्ड तो पता ही है, इसमें कुछ बताना नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है वो पोलर कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड ऐसे होता है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चला जाएगा, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चला जाएगा, इस प्रकार से क्या हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव है तो एक्ट एज कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल मीन्स लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, और कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह मतलब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है एनसीईआरटी ने। ओके, अब आते हैं सीधे प्रिपरेशन ऑफ, बस इसमें यही देखना है स्ट्रक्चर में, बाकी कुछ नहीं है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। अब प्रिपरेशन में एल्डिहाइड एंड कीटोन जनरली का इससे हम लोग एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एल्कोहल को अगर हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बनेगा, और टर्शियरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्कीन बनेगा। ये हम लोग वहाँ से पढ़ चुके हैं। जैसे अगर प्राइमरी एल्कोहल है, जैसे कोई प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके, ठीक है, जैसे CrO3 या कॉपर 573 केल्विन, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड का यूज कर लेंगे तो क्या बना देगा, प्राइमरी एल्कोहल है तो बना देगा एल्डिहाइड बना देगा, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या बना देगा, वो कीटोन बना देगा, टर्शियरी एल्कोहल तो एल्कीन। नीचे दे रखा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हम लोग ये भी एल्कोहल फिनाइल में पढ़े थे, प्राइमरी एल्कोहल अगर कार्बन 573 केल्विन पे करेंगे तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी एल्कोहल कार्बन 573 केल्विन पे करेंगे तो कीटोन देगा, ये दोनों क्या होते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन शो करते हैं, ये होता है एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन। बट अगर 3 डिग्री एल्कोहल है कार्बन 573 केल्विन पे तो एल्कीन बना देता है, जो कि डिहाइड्रेशन होता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये दोनों रिएक्शन जो है एल्कोहल फिनाइल में हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ नहीं देख रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन में अगर एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एल्कीन की ओजोनोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा या तो कीटोन बन जाएगा, तो दोनों का मिक्सर बन जाएगा, जैसा एल्कीन रहेगा वैसे बनेगा। ठीक है, ये तो हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, यहाँ पे एक खास बात दे रखी है, अगर दो कार्बन की क्या है एल्काइन है, दो कार्बन की एल्काइन है उसकी रिएक्शन हम H2SO4 और HGSO4 से करवाते हैं तो ये देगा एल्डिहाइड, क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। ठीक है,
एल्डिहाइड देगा। बट अगर दो कार्बन से अधिक है, तीन कार्बन की एल्काइन है, चार कार्बन की एल्काइन है, ठीक है, पांच कार्बन की एल्काइन है, तो वो क्या देगा, वो कीटोन सिर्फ देगा, H2SO4 की प्रेजेंस में कीटोन देगा। वहाँ ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, इथाइन एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो एल्डिहाइड देगा, ऑल अदर एल्काइन गिव द कीटोन। ओके, तो ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइन। अब आते हैं कि इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए पहला कंपाउंड है एसाइल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जैसे कि हम ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड किसी H2PDBSO4 से करवा देंगे तो बन जाएगा बेंजोएल्डिहाइड। नेमिंग रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं रोजेनबर्ग रिडक्शन, याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्राइल ऑस्टर से कैसे बनाएंगे, नाइट्राइल ले लिए RCN, इसकी रिएक्शन SnCl2HCl से करवा देंगे तो पहले तो इंटरमीडिएट इमीन बनेगा, फिर इमीन का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। अब नाइट्राइल की रिएक्शन जो है हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय द डाई बाय मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे, फिर इसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे फर्दर तो बन जाएगा एल्डिहाइड। जैसे RCN है डाईबॉल और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बन रहा है। ये है एक नाइट्राइल, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम मतलब डाईबॉल से करवा रहे हैं फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, उतनी ही कार्बन की एल्डिहाइड बन जा रही है, बस डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये इसकी खास बात है डाईबॉल की। ऐसे ईस्टर को ये रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, ईस्टर जैसे ये जितने कार्बन का ईस्टर है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जा रहा है, नहीं ईस्टर को सिंपल सा ये रिड्यूस कर रहा है, उतने कार्बन का तो नहीं, ईस्टर को रिड्यूस कर दे रहा है एल्डिहाइड में, ठीक है। ये जो O2H5 है यहाँ पे रिमूव हो जा रहा है, एच से रिप्लेस हो जा रहा है एच से, तो इस प्रकार से ईस्टर को रिड्यूस करता है डाईबॉल किसमें एल्डिहाइड में, ईस्टर और नाइट्राइल को। ओके, अब हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे हम एल्डिहाइड, देखो मिथाइल बेंजीन मतलब हो गया, मिथाइल बेंजीन मतलब टालुइन, टालुइन से हम कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड ये देखना है, उसका कुछ मेथड है नीचे। पहले तो हम क्रोमिल क्लोराइड का यूज़ करेंगे, मतलब CrO2Cl2। पहले अगर हम टालुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं तो बनता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2CH2 की प्रेजेंस में, तो पहले इंटरमीडिएट बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। निमिक रिएक्शन ये भी याद रखनी चाहिए, टालुइन की रिएक्शन अगर हम CrO2Cl2CH2 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो बनेगा पहले क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, फिर उसके एड्रेसिस करवाएंगे तो बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। फिर सेकंड रिएक्शन है टालुइन की रिएक्शन अगर हम CrO3 से करवाएंगे, CrO3 ठीक है मतलब क्रोमियम ऑक्साइड और किसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो पहले बनेगा क्या, पहले बनेगा बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट जो बनेगा ये होता है बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट बनेगा। टेम्परेचर याद रखना 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत लो टेम्परेचर है ये। फिर ये बेंजाइलिडीन जो डाइस्टेट बना है इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है तो ये बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। तो ठीक है ये चीज़ याद रखनी चाहिए भी। अब अगली रिएक्शन है साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, टालुइन की रिएक्शन क्लोरिनेशन लाइट से करवाएंगे तो बनेगा बेंजाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। ओके, तो टालुइन से बेंजाइल्डिहाइड बनाने का तीन तरीका होगा, पहले तो इटार्ड रिएक्शन हो गया, दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दिए तो बना पहले बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट फिर इसके हाइड्रोलिसिस करवा दिए तो बेंजाइल्डिहाइड। तीसरी टालुइन की रिएक्शन पहले क्लोरीन सल्फाइड से करवाएंगे तो बनेगा बेंजाइल क्लोराइड फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। अब आते हैं नेमिंग रिएक्शन फिर से मिल गई जिसको बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे बेंजीन की रिएक्शन CuSCl एनहाइड्राइड AlCl3 या CuCl के बीच में करवा देंगे तो बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। ये नेमिंग रिएक्शन है जो रिजिडेंट है CuSCl और एनहाइड्रस AlCl3 ये बेंजीन पर स्विच ग्रुप लगा ही देता है, तो यह होता है गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, ये क्या प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब इसके आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन बनाने के लिए पहला तरीका एसाइल क्लोराइड से किससे बनाएंगे, तो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवा देंगे किससे, एसाइल क्लोराइड करवा देंगे डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करवा देंगे तो वो बना देगा क्या डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन ग्रिगनार्ड से करवा देंगे तो बन जाएगा कीटोन। तो एसाइल क्लोराइड पहले एसाइल क्लोराइड बनाते हैं, एसाइल क्लोराइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMG से रिएक्शन कराएंगे CDCl2 से कैडमियम क्लोराइड से, तो CDCl2 ऐसे इसमें क्या होगा ये जो MgX Cl2 के साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या R2CD डाई एल्काइल कैडमियम बन जाएगा, फिर R2CD डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करवाएंगे एसाइल क्लोराइड से, तो इसमें क्या होगा एसाइल क्लोराइड जो है ये CD और ये CL CDCl निकल जाएगा मतलब CDCl2 चूँकि दो मोलर CDCl2 निकल गया और बचा क्या RCOR ठीक है, तो दो मोल क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। ये तरीका हो गया एसाइल क्लोराइड से कीटोन बनाने का किससे डाई एल्काइल कैडमियम से।
तो ये हो गया। अब नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, नाइट्राइल अगर है डबल ये हो गया CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये नाइट्राइल हो गया ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, ग्रिगनार्ड रिएक्शन से करवा देंगे ईथर की प्रेजेंस में। तो पहले तो इंटरमीडिएट बना फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो बन जाएगा क्या, कीटोन बन जाएगा। तो नाइट्राइल की रिएक्शन अगर ग्रिगनार्ड से करवाएंगे तो बनेगा क्या, कीटोन। अब अगला है बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन जैसे ये है फेडलक्राफ्ट एसाइलेशन सिंपल सा है, क्या करेंगे बेंजीन की रिएक्शन करवा देंगे किससे, एसाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस Al(CO3) की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा कीटोन। अब जैसे यहाँ पे अगर एसाइल क्लोराइड है या एल्काइल क्लोराइड है, जैसा कि जैसा मतलब क्लोराइड रहेगा वैसा यहाँ पे कीटोन मिलेगा ठीक है। ये हो गया फेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल बस रेजेंट पूछा है। अगर हेक्जेन मोनाल को हेक्जेनल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रेजेंट हो जाएगा PCC, साइक्लोहेक्जेनॉल को साइक्लोहेक्जेनोन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रेजेंट हो जाएगा एनहाइड्रस CrO3, और पैराफ्लोरोटोल्यूइन को पैराफ्लोरोबेंजाइडहाइड में कन्वर्ट करना है तो रेजेंट को बेस्ट रेजेंट हो जाएगा CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या Cr2Cl2, सेकेंड फर्दर क्या करवा देंगे उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो ये हम लोग देख चुके हैं अभी। फोर्थ है इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन, इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है किसमें, इथेनल में, तो CN को एल्डिहाइड में लेके जाना है तो इसके लिए बेस्ट हो जाएगा डाइबॉल। डाइबॉल जो है नाइट्राइल को एल्डिहाइड में लेके जाता था और नाइट्राइल को कीटोन में लेके कौन जाता था, रिगनार्ड। फिलहाल यहाँ पे वो चीज़ें है नहीं। लास्ट है एलाइल एल्कोहल को प्रोपेनल में लेके जाना है ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट हो जाएगा PCC, और ब्यूटीन मतलब एल्कीन को एल्डिहाइड में लेके जाना है तो वो जो लिसिस कर देंगे। तो सब बस रिजल्ट बताना था किसमें कौन सा रिजल्ट यूज होगा। चलो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर एल्डिहाइड कीटोन की और मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें सिर्फ हमको इतना ही देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो एल्डिहाइड कीटोन का अगर हम देखें मतलब एल्डिहाइड कीटोन इसमें जो कंपेयर कर रखा है टेबल में, हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, इसमें अगर बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल का है, देन कीटोन का है, देन एल्डिहाइड का है, देन ईथर का, सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन का है। ये ऑर्डर याद ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर सेम मॉलिकुलर मास वाले कंपाउंड है सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, देन एल्कोहल के बाद कीटोन का, कीटोन के बाद किसका आ जाएगा, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से कम हो जाएगा ईथर का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन का हो जाएगा ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर जो है याद रखना चाहिए। अब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हम लोगों ने एल्कोहल फिनाइल ईथर में भी देखा था, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में देख रहे हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है एल्डिहाइड कीटोन की डिक्रीज होती है अगर उसमें लेंथ ऑफ एल्काइल चेन इंक्रीज हो, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट ओके। जबकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग ठीक है। ये सब हो चुका है, यहाँ दोबारा वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल में बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर बताना है हमको, तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल का होगा। तो एल्कोहल कहाँ पे, सेकंड वाला, चूँकि सब चार ही कार्बन के हैं लगभग, तो सब लगभग सेम मॉलिकुलर वेट वाले हैं, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, एल्कोहल का हो जाएगा, यानी सेकंड सबसे ज़्यादा एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आएगा कीटोन, कीटोन दिया नहीं है, कीटोन के बाद आएगा एल्डिहाइड, तो ये रहा एल्डिहाइड, सेकंड पे एल्डिहाइड आ जाएगा। उसके बाद आएगा कौन सा, ईथर, तो थर्ड पे ईथर आ जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा हाइड्रोकार्बन मतलब सबसे कम हो जाएगा ब्यूटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर एग्जाम्पल में ही पूछा था। चलिए आते हैं केमिकल रिएक्शन पे। अब केमिकल रिएक्शन में हमको पहले देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं मतलब एल्डिहाइड कीटोन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पहले देख भी चुके हैं कि कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ये पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो अच्छा इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड में, सी डबल बॉन्ड हो तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे SP2 आ जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट बना है इस पर चेक करेंगे तो SP3, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव सेंड कार्बन पॉजिटिव जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, तो यहाँ पे अटैक करके ये बना लेगा ये वाला एडिशनल प्रोडक्ट, तो SP2 से SP3 चेंज हो रहा है, वही चीज़ बता रखा है इसमें बस। बाकी अगले आता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में बता रखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में देखा जाए तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन, इंपॉर्टेंट लाइन है, एल्डिहाइड इज जनरली मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। उसका रीजन भी है
कि जो एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कम होता है, जबकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो कीटोन में सी डबल बॉन्डों से दो सी एस थ्री, दो बल के ग्रुप लगे होते हैं, दो सी एस थ्री ग्रुप लगे होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन से सिर्फ एक सी एस थ्री लगा होता है, एक बल के ग्रुप, और दूसरा जो है हल्का ग्रुप लाइट ग्रुप लगा होता है। तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से। रीजन यही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में कम है, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, और जो रिएक्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली पोर्शन होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। कुछ एग्जांपल दे रखे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, जैसे अगर हम HCN का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर इसमें HCN डालेंगे तो H प्लस और CN माइनस टूटेगा। CN माइनस एक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जाकर अटैक करेगा जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और H प्लस जो है माइनस पर जाकर अटैक कर देगा, इस प्रकार से बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये तो हो गया HCN का अटैक कार्बोनिल कंपाउंड पे। अगर एडिशन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का कार्बोनिल कंपाउंड पे करें तो ये टूटेगा कैसे, Na प्लस और HSO3 माइनस में। तो Na प्लस से कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, O माइनस के साथ, और HSO3 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ। तो कार्बन पॉजिटिव पे चला गया कौन, SO3H, और ऑक्सीजन O माइनस चला गया कौन, Na। तो इस प्रकार से ये बन गया क्या, बाईसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट, बाईसल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला आते हैं, अच्छा इसमें लास्ट में प्रोटॉन ट्रांसफर भी होगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, Na को हटा के Na को रिप्लेस कर देगा, OH आ जाएगा। अब हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, HCN हो गया। ठीक है, अब ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड एजेंट हम लोगों ने अल्कोहल फिनाइल ईथर में देख रखा था, बता देते हैं यहाँ पे, अगर इंपॉर्टेंट है फार्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, अगर हम फार्मेल्डिहाइड अगर है, फार्मेल्डिहाइड ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, फार्मेल्डिहाइड अगर ग्रिगनार्ड के साथ करेगा, और फर्दर हाइड मतलब हाइड्रोसिस भी करनी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी, तो 1 डिग्री एल्कोहल, बाकी कोई और एल्डिहाइड होगा ग्रिगनार्ड के साथ हाइड्रोलिसिस तो क्या देगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ओके, कीटोन है अगर, कोई कीटोन है, फार्मेल्डिहाइड नहीं, अदर एल्डिहाइड यहाँ लिख देते हैं, फार्मेल्डिहाइड को छोड़कर कोई और एल्डिहाइड होगा, कीटोन अगर ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोलिसिस करने पे क्या देगा, 3 डिग्री एल्कोहल। ये हम लोग देख चुके हैं एल्कोहल फिनाइल ईथर में। अब एल्कोहल का एडिशन करेंगे किसमें, एल्कोहल एडिशन करेंगे एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में जैसे ही एल्कोहल डालेंगे तो बनेगा एसीटाइल, कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच यही होगा, एल्कोहल हो जाएगा आर ओ एच ना। अब इस पे नाइन ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव आएगा, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, और इस पे कैसे तोड़ेंगे, आर प्लस ओ एच माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ, मतलब आर प्लस ओ माइनस के साथ लग जाएगा और सी प्लस के साथ ओ एच माइनस लग जाएगा, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एसीटाइल बन जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सीधा सीधा याद रख, मतलब एल्डिहाइड से अगर हम एल्कोहल क्वेश्चन करवाएंगे तो एसीटाइल बनेगा, पहले तो हेमिस्टाइल बनेगा इंटरमीडिएट, देन एसीटाइल बन जाएगा। उसके बाद कीटोन सिलेक्शन करवाएंगे एल्कोहल की तो बनेगा क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ओके, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इतना से। चलिए आगे देख, आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव, सिंपल सा है, अमोनिया उसके डेरिवेटिव का अगर एडिशन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, जैसे NH2Z, और यहाँ जेड कुछ भी हो सकता है, एल्काइल एराइल OH NH2 मतलब हाइड्रोक्सी एमीन C6H5NH NHCO NH2 कुछ भी हो सकता है इसमें से। इसमें सिंपल सा क्या करना है हमको, इसका एक मिनट पहले इसको उठाते हैं, ये निकाल देना है हमको वाटर, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और जो अमोनिया का डेरिवेटिव है उसका H2, वाटर निकाल देना, जो बचेगा सिंपल सा उसको जोड़ देना, मतलब सी डबल बॉन्ड NZ ये वाला। अब यहाँ पे देखिए तो टेबल में दिखा रखा है, जैसे मान लीजिए अमोनिया लेते हैं, अमोनिया के रिएक्शन में अगर हम करवाएं किससे, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड से, तो अमोनिया में जो NH2 है, कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं, यहीं भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, अमोनिया में H2NH लिखेंगे, फिर एक NH3 होता है अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, ये वाटर हमको निकाल देना है बस, उसके बाद जैसे का तैसे जोड़ देना है, यानी ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड एन एच, ये हो जाएगा, ये देखो सी डबल बॉन्ड एन एच बन गया ना, इसको बोलते हैं इमीन। ऐसे सब का करेंगे, अगर जेड की जगह आर है यहाँ पे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सिर्फ सी डबल बॉन्ड एन आर आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये हो गया सिर्फ बेस ओ एच है, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन बोलेंगे, मतलब NH2OH है, NH2OH है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड NO से बन जाएगा, ऑक्सीजन बना लेगा। ऐसे सबका बना लेना है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्राजोन कैसे बनेगा, तो ध्यान दे लेना, 2,4 यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, H2N है, H2N है, तो जब ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा ये सी डबल बॉन्ड ओ
कैसे रहेगा, तो ऑक्सीजन इसका इसका एच टू निकल जाएगा वाटर के रूप में, और ये शेड वाल बॉन्ड हो एन ऐसे लग जाएगा, बस सिंपल सा शेड वाल बॉन्ड एन एन एच जो है शेड वाल बॉन्ड एन के साथ यही पूरा लग जाएगा। तो ये पूरा टेबल याद रखना है जितना है, मतलब ये कितना है, एक इमीन, दूसरा सिप बेस, तीसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्राजोन, चौथा फेनिल हाइड्राजोन, और एक दो तीन चार पाँच, छठा है 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन, लास्ट वाला है सेमी कार्बाजोन। चलो आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन अगर एल्कोहल का करवाएंगे तो एल्कोहल जैसा रहेगा वैसे, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो वो जाएगा किस में, प्राइमरी एल्कोहल में जाएगा। अक्यूटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल में जाएगा। ठीक है, फिर से देख बोल देते हैं, एल्डिहाइड अगर रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो पता ही होगा, तीन रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग पढ़ते हैं, एक LiLH4, NaBH4 और तीसरा हाइड्रोजन प्लेटिनम पलेडियम या निकल कटा लिस्ट, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा अगला पढ़ लेते हैं, क्या है रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन दो रिएक्शन पढ़ने, इसमें नेमिंग रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फकेसन रिडक्शन। अब इसमें मेन रिजेंट याद रखना चाहिए, क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिजेंट होता है वो जिंक, एमलगम और कंसनट्रेटेड HCl होता है, जबकि वुल्फकेसन में जो रिडक्शन होता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्राजीन। ठीक है, अब ये करते क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का जो सी डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस कर देते हैं किसमें, CH2 में। ठीक है, अब क्लेमेंसन में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वाटर निकल जाता है, जबकि वुल्फकेसन में जो नाइट्रो निकलता है बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, लेकिन हाँ दोनों दोनों क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये है कौन सा, क्लेमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड है कोई चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, जिंक एमलगम HCl की प्रेजेंस में CH2 में बदल जा रहा है, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोलिसिस करने पहले इंटरमीडिएट बना, फिर उसके बाद इसका KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हिट करने पे क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बन गया नॉर्मल, और नाइट्रोजन निकल के ये हो गया वुल्फकेसनर। क्लेमेंसन वुल्फकेसनर का रिजल्ट याद होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी रिडक्शन करके एल्केन तो बनाएंगे ही बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके। क्लेमेंसन का रिजेंट है जिंक एमलगम कंसनट्रेटेड HCl, वुल्फकेसनर का रिजेंट जो है वो क्या है, हाइड्राजीन और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन पे जो ऑक्सीडाइजिंग मतलब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल फिनाइल ईथर पढ़े थे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ठीक है, स्ट्रांग हो गया, वीक स्ट्रांग में K1O4 K2Cl2O7, वीक में CrO3PCC ये सब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड होता है, पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रांग होता है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम को तीन नाम दे रखे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा, टॉलिन रेजेंट, फेलिंग रेजेंट। ठीक है, ये भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे बट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मेन से तीनों का हमको देखना है क्या, कि टॉलन और फेलिंग एक हो रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो टॉलन टेस्ट क्या करेगा, यहाँ हमने अलग से लिख रखा है टॉलन टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड जो है यहाँ देखिए, हाँ ऑल एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो सबके सब एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देते हैं। टॉलन टेस्ट में होता क्या है, टॉलन टेस्ट जो होता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को बोलते हैं टॉलन रिएजेंट। जैसे ही हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलन रिएजेंट को एल्डिहाइड में डालेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट एनायन बना लेगा, और फिर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो रिड्यूज हो जाएगा किसमें, सिल्वर में, और सिल्वर मिरर बना लेगा, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस कर देगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा टॉलन टेस्ट। ठीक है, अब आते हैं फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में तो इक्वल अमाउंट में दो सोल्यूशन इक्वल अमाउंट में मिक्स किए जाते हैं, एक होता है एल्कलाइन, एक होता है क्या कॉपर सल्फेट, और दूसरा होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट जिसको बोलते हैं रॉचर साल्ट। एक सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, दूसरा सोल्यूशन होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट जिसको बोलते हैं रॉचर साल्ट, और दोनों जो होते हैं इक्वल अमाउंट में क्या किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। तो ये होता है क्या, फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट क्या, जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट देगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे ही हम डालेंगे फेलिंग टेस्ट इसका करवाएंगे, ये CU2O का रेड प्रेसिपिटेट बना लेगा, बाकी RCHO ऑक्सीडाइज हो गया, RCO हमारे से कन्वर्ट हो जाएगा। मेन है कि रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, और टेस्ट कौन देगा, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। जब टॉलन जो होता है
एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देते हैं टॉलन। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे, नेक्स्ट दो है वो है हेलोफॉर्मेशन। हेलोफॉर्मेशन हो जाएगा NaOH। अगर कोई मिथाइल कीटोन है या CH3COH वाला ग्रुप है, मतलब टू वाला CH3COH ग्रुप है जिसमें, या CH3 C डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है, तो ये सब जो है हेलोफॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, हेलोफॉर्मेशन शो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है और CH3COH वाला ग्रुप, ये सब के सब जो है टॉलन बोल रहे हैं, हेलोफॉर्मेशन शो करेंगे। ठीक है, हेलोफॉर्मेशन शो करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखे जैसे RCOCH3, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप कंपाउंड वाला ग्रुप है ये, तो ये हेलोफॉर्मेशन शो करेगा। ये बन रहा है क्या CH3, और जैसे इसमें भी CH3 C डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप ये है, तो ये भी हेलो फाउंडेशन शो करेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरो लास्ट में CHCl3 बन रहा है। इस प्रकार से तीनों टेस्ट हो गए, टॉलन फेलिंग और हेलो फार्म, इम्पॉर्टेंट है तीनों। ओके, तो फिर से बात कर देते हैं। टॉलन टेस्ट जो होता है अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट सभी एल्डिहाइड देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। ठीक है, टॉलन टेस्ट सभी देंगे, इसमें सिल्वर मिरर बन जाता है। और फेलिंग टेस्ट में सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे फेलिंग टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे। और जो टॉलन टेस्ट होता, हेलो फॉर्मेशन होता है, वो CH3 C डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड और CH3 CHOH वाले कंपाउंड जो है हेलो फॉर्मेशन शो करेंगे। अभी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डॉल कंडेंसेशन ऑफ कनिजारो रिएक्शन। ठीक है, एल्डॉल कंडेंसेशन कंडीशन ये है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा एल्डिहाइड कीटोन एल्डॉल कंडेंसेशन शो करेगा जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड का जो एडजेसेंट कार्बन लगा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो होगा अल्फा हाइड्रोजन, और जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो वो शो करेगा एल्डॉल कंडेंसेशन। अब हम एल्डॉल कंडेंसेशन में दो टाइप का एल्डॉल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, एक होता है सेल्फ क्या बोलेंगे इसको, सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, सेल्फ कंडेंसेशन, और दूसरा होता है क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन। ठीक है, एक होता है सिंपल या सेल्फ एल्डॉल कंडेंसेशन, दूसरा होता है मिक्स्ड या क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन। अब जब हम पहला देखेंगे सेल्फ एल्डॉल कंडेंसेशन या सिंपल एल्डॉल कंडेंसेशन, उसमें आइडेंटिकल कार्बोनिक कंपाउंड रहेगा, मतलब दो एल्डिहाइड के बीच में होगा, दो सेम एल्डिहाइड के बीच में होगा और दो सेम कीटोन के बीच में होगा, तो वो सिंपल या सेल्फ एल्डॉल कंडेंसेशन शो करेगा। और अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, या दोनों डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड है दोनों डिफरेंट डिफरेंट कीटोन है, तो वो क्या करेगा, क्रॉस एल्डॉल कंडेंसेशन शो करेगा। ठीक है, तो पहले अभी हम देखेंगे सेल्फ एल्डॉल कंडेंसेशन या सिंपल एल्डॉल कंडेंसेशन, मतलब सेम टाइप के एल्डिहाइड रहेंगे। जैसे यहाँ दोनों क्या है, सेम एल्डिहाइड हैं, दोनों दोनों क्या हैं, एल्डिहाइड हैं। अब इसमें एट द प्रेजेंस ऑफ डायलूट NaOH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा, वन अल्फा हाइड्रोजन भी है, देखें जी CH3 C डबल बॉन्डो H, सी डबल बॉन्डो के एडसेंट कार्बन अल्फा कार्बन, इससे तीन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये डायल एल्कली की प्रेजेंस में बता देगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बनाएगा, कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना था। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको सटा के लिखते हैं। दूसरा वाला जो है ऐसे बना देंगे इसको CH2, एक इसका अल्फा हाइड्रोजन हम अलग से लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O H। ये सी डबल बॉन्ड वाले का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको हमने अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें, अगर हम बनाएंगे ध्यान से बनाएंगे तो CH3, पहले का हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं, CH3 CH, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस पर आ गया ऑक्सीजन पे, OH, और उसके बाद CH2 CHO CH, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं CH3 CHOS CH2, और ये है क्या CHO। ठीक है, ये इंटरमीडिएट ये बन रहा है, ये क्या है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये होता है एल्डॉल, यही होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, चेक करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले कार्बन अल्फा हो गया, उसके बगल वाला बीटा हो गया, बीटा पे लगाया हाइड्रोक्सी तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पूरा हो गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब ये तो इंटरमीडिएट है, फिर इसको फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, हीट कर देंगे तो क्या बन वाटर निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं सॉरी, फर्दर हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा ब्यूटूइनल, मतलब इसका इस कार्बन का हाइड्रोजन जो है CH2 का एक हाइड्रोजन और इसका OH दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CHO, ये होता है ब्यूटूइनल, ये बन जाएगा। ऐसे हम कीटोन का भी करवा सकते हैं,
कीटोन में अगर हम दो कीटोन ले रहे हैं तो ये भी होगा, वही सेल्फ कंड क्या शो करेगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या सिंपल कंडेंसेशन शो करेगा। इसमें कैसे करेंगे, इसको भी वही करना है, CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। दूसरा वाला जब बनाएंगे, दूसरा वाला कीटोन बनाएंगे तो उसका अल्फा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन थोड़ा अलग दिखा देंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन इसका CH2H CO CH3, ठीक है, ताकि प्रोटॉन बनाने में आसानी हो। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, तो बन जाएगा क्या, जैसे सब वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस O पे हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बाकी जी सब कुछ सेम रहेगा, ये CH2 इससे कम्बाइंड इस कार्बन से जुड़ जाएगा, बाकी ये CO CH3 ऐसे ही रहेगा। अब ये बन गया इंटरमीडिएट। उसके बाद अब इसमें क्या होगा, हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, इसका हाइड्रोजन और ये OH निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा। सिंपल सा पहले हमने ये बनाया था, ये कैसे, अब ये बीटा हाइड्रोक्सीकेटोन कैसे है, ये सी डबल बॉन्ड है, ये की मतलब कार्बोनिल कार्बन है, इसके अगल बगल वाला ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, इसके बगल ये अल्फा, तो इसके जस्ट बगल वाला बीटा और ये गामा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगाया तो ये बीटा हाइड्रोक्सीकेटोन हो गया। इसको हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा, इस मतलब वाटर कैसे निकलेगा, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और ये OH ये निकल जाएगा वाटर के रूप में, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो क्या हो जाए, सिंपल वाला सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। मतलब दोनों जो थे, दोनों एल्डिहाइड अगर सेम थे या दोनों कीटोन जो सेम थे तब एक तब वाला केस। अब अगर दोनों डिफरेंट हैं ना, मतलब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो वहाँ पे आया मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, वो यहाँ पे दे रखा है। अब इस वाले केस में सब कुछ कंडीशन वही है, अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। इसमें बस यही है कि इसमें चार प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो इसका दो और फिर इसका दो, मतलब खुद सेल्फ करके सेल्फ कंडीशन करके दो बनाएगा, ठीक है, मतलब एक सॉरी फिर से बोल देते हैं, ये एक बार सेल्फ करके एक बनाएगा, एक बार सेल्फ करके एक बनाएगा, दो इसके हो गए सेल्फ से, और फिर एक एक दूसरे से क्रॉस करके दो बना लेंगे, मतलब कुल चार बनाएंगे, ठीक है। सेल्फ वाला तो हमने देख लिया था, इसका ऊपर जस्ट अभी CH3CH होगा एस्टेरिडाइड का, ठीक है, इसका कैसे B2-enol बन रहा था, ठीक है, और इसका भी हम देख लेते हैं सेल्फ करके, ठीक है। चलो अभी वाला हम देख लेते हैं, ये वाला इसका एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए इसका पहले हम दो मोल लेते हैं, तो दो मोल लेंगे तो इसको ऐसे बनाएंगे, CH3CH2C(OO) और H। अब दूसरा वाला जब इसका बनाएंगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा अलग लिख देंगे, मतलब इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, यही है CH मतलब CH H, और इससे लगा हुआ है CH3, इसके बगल में CHO है, CHO मतलब कार्बोनिल कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन है, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन इसका ऊपर दिखा है, इसलिए क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी, पहले तो बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बनेगा एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है दोनों, तो क्या बनेगा इंटरमीडिएट में, CH3CH2CHOH, और जैसे कैसे रहेगा, इधर ये वाला ऐसे रहेगा CH3CHO। अब इसकी क्या होगी, हीट कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा, यानी इसका OH और इसका एक हाइड्रोजन, सॉरी इसका नहीं, इसका इसका एक OH और इसका एक हाइड्रोजन ना, ये वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा क्या, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3CHO बन गया, और यही है प्रोडक्ट में, CH3CH2CH डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए थे, हाइड्रोजन यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन तो वाटर के रूप में निकल चुका है ना, हाइड्रोजन OH। ओके, तो अब इस प्रकार से ये तो हो गया क्या हो गया, सिंपल या सेल्फ एल्डोल कंडीशन का प्रोडक्ट। अब क्रॉस वाले में क्या होगा, क्रॉस वाले में अब एक ये ले रहे हैं एक ये, तो क्रॉस बनेगा, तब पहले ये बनेगा, कैसे बनेगा, एक पहले अगर इसको लेंगे CH3C(OH), दूसरा वाला ये प्रोपेनाल्डिहाइड है, ठीक है, फिर से कर देते हैं CH3C(OH), और दूसरा जब लेंगे याद रखना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन को अलग दिखाना है, अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं है इसमें, नहीं ये तो बीटा वाला कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से जुड़ा ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है अलग दिखाना है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन से जोड़ना है हमको, इसलिए CHO के बगल वाला जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन हम CH2 का
ये एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा रहे हैं, और सी एस थ्री चूंकि इसका कुछ होना नहीं है तो इसको नीचे कर दे रहे हैं। अभी हाइड्रोजन इससे पहले जाके अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पहले तो बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एच, ठीक है, और ये सी एच सी एस थ्री सी एच ओ। फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, मतलब हीट कर देंगे, वाटर निकल जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ओ एच ये निकल जाएगा और बन जाएगा इस यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यही प्रोडक्ट ये बना है, ये देखिए। आराम से इत्मीनान से इसको चेक करिएगा एक बार, क्योंकि एक बार ये बताने से नहीं आएगा, जब तक खुद से नहीं समझेंगे चीज़ें वो तब तक ये चीज़ें होने वाली नहीं है, ठीक है। कोई कितना भी बता ले, बताने से कुछ होता नहीं है, ठीक है, जब तक खुद से उसको एनालिसिस ना किया जाए, खुद से उसको ट्राई ना किया जाए। ओके, तो ये बन जाएगा ऐसे। इसको भी कर सकते हैं। अब इस वाले केस में पहले इसको लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब आप इसको ले लीजिए सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि दूसरे वाले का अल्फा सी एच टू एच, इधर सी एच ओ ऐसे रहने दीजिए। इसका पहले इसकी जो अल्फा हाइड्रोजन इसे जाके अटैच हो जाएगा, तो अटैच हो जाएगा तो ये बना लेगा क्या सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ। फिर इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, वही है ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ। इस प्रकार से दो जो हो गए वो सिंपल है सेल्फ एल्डिहाइड प्रोडक्ट हो गए, और दो जो हो गए क्रॉस एल्डिहाइड प्रोडक्ट हो गए। ओके, ऐसे हम अगर एक जो है बेंजल्डिहाइड है और दूसरा ये कीटोन है तो उसका भी हम ऐसे कर ले बना लेंगे। बस याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन पहली बार अल्फा हाइड्रोजन जो है, जो कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन लेके जाकर अटैक करना है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन को रिमूव करके प्रोडक्ट बना लेना है। चलो ठीक है। कैंजारो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कैंजारो रिएक्शन में क्या है, तो सिंपल सा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना था, लेकिन कैंजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, कंडीशन है इसकी, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट होना चाहिए तो कैंजारो शो करेगा। जैसे फार्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सब क्या कैंजारो शो करेंगे। कैंजारो रिएक्शन मतलब कि ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है इनका और सेल्फ रिडक्शन भी, एक ही स्पीसीज का एक ही कंपाउंड का, एक बार वो ऑक्सीडाइज होगा एक बार वो रिड्यूज होगा, तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है, इसको हीट करेंगे कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ, और एल्डोल का कंडीशन था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और उसको हीट करते थे डाइल्यूट एल्कली के साथ। ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, एक बार क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा तो बनाएगा, ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा क्या पोटेशियम फार्मेट, और रिड्यूज होकर जो बनाएगा मेथेनल। ओके, अब अगर ये बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा सोडियम बेंजोएट, और रिड्यूज होकर बना लेगा बेंजाइल एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता ही होगा, इसमें कुछ बताना है नहीं। चलो ये कनेजारो हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेंडिहाइड, जैसे हम लोग पढ़े थे जब फिनॉल में एल्कोहल फिनाल इथर पढ़े थे, तो फिनॉल में जो ओ एच था वो आर्थो पैराडाइटिक ग्रुप होता है, और वैसे बेंजल्डिहाइड में जो सी एच ओ होता है ये आर्थो पैराडाइटिक ग्रुप होता है, ठीक है। आर्थो पैराडाइटिक ग्रुप मतलब कुछ भी करवाएंगे, नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन, तो नाइट्रेशन के दौरान एनओ टू ग्रुप आर्थो पैरा पे आके लगेगा, नहीं यार सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज ये सी एच ओ होता है, गड़बड़ हो गया, सी एच ओ होता है ये मेटाडाइटिक ग्रुप होता है, यहाँ पे लिख रखा है देखो, फिनॉल में जो ओ एच था वो आर्थो पैराडाइटिक ग्रुप था, सी एच ओ जो होता है सी एच ओ सी ओ ओ एच ये सब होता है मेटाडाइटिक ग्रुप, ठीक है। तो मेटाडाइटिक ग्रुप मतलब कि अब हम कुछ भी करवाएंगे, हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये जो है आगे कहाँ पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, ठीक है, मेटा पे लगेगा। जैसे बेंजल्डिहाइड का क्या करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं एच एन ओ थ्री एच टू एस ओ फोर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 278 से 273 283 केल्विन, ठीक है, 273 से 283 केल्विन पे। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लग रहा है, मेटा पे, यानी मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये सी एच ओ है वो मेटाडाइटिक ग्रुप है। ऐसे और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, और कुछ दिया भी नहीं है, सिंपल एक ही दिया है। अब आते हैं यूज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका यूज कहाँ पे है, ये तो हम लोग शुरू में देख ले केमिकल इंडस्ट्री। ओके, रिजेंट के रूप में इसका भी यूज किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट। ओके, अब मेन है जो फार्मेल्डिहाइड जो होता है, फार्मेल्डिहाइड को 40% सोल्यूशन का फार्मेल्डिहाइड उसको बोलते हैं फार्मेलिन। फार्मेलिन का यूज किया जाता है जो बायोलॉजिकल स्पेसिमिन होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है।
बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो रखे जाते हैं लिक्विड सोल्यूशन में, तो 40% क्या होता है, 40% फॉर्मेलिन होता है, वो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, उसमें प्रिजर्व करके वो रखे जाते हैं ताकि वो सड़े ना जल्दी। जब किसी म्यूजियम में जाएंगे, ठीक है, म्यूजियम में जाएंगे या उसमें जो मतलब क्या बोलते हैं कि स्पीसीज रखी होती है सोल्यूशन में रखी होती है बोतल में करके, तो वो क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है 40% फॉर्मेलिन सोल्यूशन होता है ताकि वो जल्दी से सड़े ना, ठीक है, जल्दी से वो स्पीसीमेन ख़राब ना हो। उसके बाद पॉलीमर जैसे बेकलाइट पॉलीमर फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है वो, तो वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लू ये भी एक पॉलीमर प्रोडक्ट है। एस्टेल्डिहाइड जो होता है इसका यूज़ किया जाता है एस्टिकेट बनाने में, मिथाइल एसीटेट बिनाइल एसीटेट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर और ड्रग बनाने में यूज़ किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का यूज परफ्यूम और डाई इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ओके, ये तो एल्डिहाइड के उनका कुछ यूजेज। अब आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला टाइप है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के पहले कुछ इसका हम देख लें एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है SCOOH, ये पहली बार ऑप्टन किया गया था रेड एंड लाल चींटी से। एस्टिक एसिड का होता है CH3COOH, ये विनेगर से ऑप्टन होता है विनेगर। और ब्यूटारिक एसिड का फार्मूला होता है, मतलब ब्यूटारिक एसिड मतलब 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि रैंसिड बटर से ऑप्टन होता है, रैंसिड बटर से ऑप्टन होता है। ओके, अब इसका आईपैक नेम लिखते समय एल्केन का वही जो एल्केन का ई होता है, एल्केन का ई जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा ओइक एसिड से, यहाँ पे ओइक एसिड लगा दिया जाएगा तो हो जाएगा एल्केन ओइक एसिड, इसका आईपैक नेम यही होता है। जैसे कुछ आईपैक नेम देख लेते हैं, जैसे 1 कार्बन का है तो हो जाएगा मेथनोइक एसिड, 2 कार्बन का है तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनिक, मतलब समझ रहे हो ना, बस ओइक एसिड लगाना है, ठीक है। 1 कार्बन का एल्केन होता है, 1 कार्बन का मेथेन होता है तो मेथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का इथेन होता है तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपेन तो प्रोपेन का ई हटा के ओ एसिड लगा देना प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग में क्या करना है, जिधर से पहली बात तो COH जो है प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले ऊपर होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, COH जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से नंबर निकालनी रहती है। अब नेम, कुछ कॉमन नेम उसके आधार चीजें, जैसे ये हो गया COS COH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, इथेन डाइओक एसिड जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा मेथे क्या है ये मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड आई पैक नेम होता है प्रोपेन डाइओक एसिड। सक्सनिक एसिड का आई पैक नेम होता है क्या, ब्यूटेन डाइओक एसिड। ग्लूटारिक एसिड का आई पैक नेम होता है पेंटेन डाइओक एसिड। एडिपिक एसिड का होता है हेक्सेन डाइओक एसिड। एडिपिक एसिड जब हम नायलॉन 6 बनाते हैं, हेक्सामिथाइल डाइएमिनो एडिपिक एसिड यूज करते हैं, ये एडिपिक एसिड होता है 6 कार्बन का, ठीक है। और लास्ट वाला है क्या, ट्राई कार्बोलिक एसिड या कार्बिलिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आई बैग नेम हो जाएगा। तो ये टेबल एक बार अच्छे से इत्मीनान से आराम से देख लीजिएगा। और कुछ, हाँ, ये बेंजोइक एसिड सबको पता होगा। अब ये जो है इसको बोलेंगे क्या, फेनाइल एसिटिक एसिड, और इसका आई बैग नेम हो जाएगा 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड, 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब इसका आई पैक नेम अगर करेंगे तो पहले तो प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, तो ये नंबर कार्बन वन हो गया, सेकंड कार्बन, सेकंड पे फेनाइल लगा हुआ है तो ये हो गया 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड। अब हमने बताया था अगर बेंजीन रिंग पे 2 एडजेसेंट कार्बन पे COOH लगा हुआ था होता थैलिक एसिड, और अभी जस्ट हम पढ़ के आए अगर दोनों पे एडजेसेंट पे CHO लगा होता है तो होता है थैलडिहाइड होता है वो, ठीक है। और थैलिक एसिड बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को थैलिक एसिड बोलते हैं, जब हम इसको बनाते हैं पॉलीमर में यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, तो ग्लिप्टल बनाते हैं जब, ठीक है, ग्लिप्टल बनाते हैं तो वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड यूज करते हैं। और टेरिलिन और डेक्रान जब बनाते हैं तो वहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के थैलिक एसिड यूज करते हैं पॉलीमर चैप्टर में ये। ओके, आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप पे, वही इसमें जैसे कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड था डिहाइड्रेट ग्लूटोन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ट्राइगोनल आएगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे एक खास बात रखा, कार्बोनिक एसिड जो होता है लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है देन कार्बोनिल कार्बन होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर का रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये हो गया रीजन इसका, इसलिए ये क्या होता है लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड देखते हैं, तो अगर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड देखेंगे पहला दिया है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल का क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे एल्कलाइन के MnO4 या K2Cr2O7 और फिर हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा क्या कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने कार्बन का कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। या आप रिजेंट देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या यूज किया है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर सकते हैं न्यूट्रल एसिडिक एल्कलाइन मीडियम किसी भी मीडियम में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं K2Cr2O7, क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड CrO3 यूज कर सकते हैं, अगर CrO3 एसिडिक मीडियम यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं जोन्स रेजेंट। तो 3 रेजेंट हो गए K1NO4 K2Cr2O7 CrO3 एसिडिक मीडियम जिसको बोलते हैं जोन्स रेजेंट, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये क्या करेंगे एल्कोहल को कार्बोनिक एसिड में लेकर चले जाएंगे,
जैसे वन डी केनाल है, ठीक है, वन डी केनाल है, ये जोन्स रिजेंट सी आर ओ थ्री एच टू एस ओ फोर जोन्स रिजेंट की प्रेजेंस में ये डीकोन एक साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, अच्छा, अब एल्काइल बेंजीन से कैसे बनाएंगे? एल्काइल बेंजीन से टालुइन है, टालुइन का वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड एल्काइन के एम एन ओ फोर या न्यूट्रल के एम एन ओ फोर एसिडिक के एम एन ओ फोर या के टू सी आर टू ओ सेवन यूज करेंगे, तो ए सी एच थ्री को हटा के यहाँ पे सी ओ एच लग जाएगा, सीधा सा बेंजोइक एसिड से। अब ये जैसे है, ये बेंजीन पे कितनी भी बड़ी कार्बन का चेन लगा देंगे, अगर के एम एन ओ फोर या के टू सी आर टू ओ सेवन है तो सीधे उसको बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं नाइट्राइल और एमाइड से कैसे बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। जैसे आर सी एन है, आर सी एन का क्या करेंगे? ओके, तो नाइट्राइल का पहले क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करके नाइट्राइल का तो बन जाएगा एमाइड। फिर एमाइड का हम कर देंगे क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस या ओ एच माइनस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हीट कर देंगे तो बन जाएगा कार्बोजिलिक एसिड। जैसे इथेनामाइड है, इथेनामाइड हो गया एस सी एस थ्री सी ओ एन एच टू, इसको हीट कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हीट कर देंगे एच प्लस या ओ एच माइनस के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा इथेन एक्साइड। जितने कार्बन का एमाइड रहेगा उतने कार्बन का क्या बन जाएगा, इसका कार्बोजिलिक एसिड बन जाएगा। ऐसे बेंजामाइड है तो बेंजामाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रिगनार्ड रेजेंट से। ग्रिगनार्ड रेजेंट अगर हम क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड रेजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ड्राई आइस में डाल देंगे तो बना लेगा पहले तो ड्राई आइस मतलब सी ओ टू, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे फर्दर तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाइट्राइल से भी नाइट्राइल का ग्रिगनार्ड में डालेंगे तो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ड्राई आइस यानी सी ओ टू को ग्रिगनार्ड में डालेंगे तो भी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब आते हैं एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से कैसे बनेगा। ठीक है, तो एसाइल हैलाइड हुआ, एनहाइड्राइड हुआ, इसकी क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे एसाइल क्लोराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। ऐसे एसाइल क्लोराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में, तो पहले तो कार्बोक्सिलिक आयन बना, फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिए तो फर्दर क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, इधर दो दे रखी है, बेंजोइक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक तो बेंजोइक एसिड बनेगा दूसरा इथेनोइक एसिड बनेगा, मतलब एक तो ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ये एच और यहाँ पे लग जाएगा ओ एच, समझ रहे हो ना। जैसे कि ये सी एच थ्री सी ओ ओ इसके साथ एच आएगा, सी एच थ्री सी ओ एच बना लेगा, और सी एच थ्री सी ओ के साथ ओ एच आ जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच बना लेगा, तो इस प्रकार से इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ईस्टर क्या है एनहाइड्राइड की। अच्छा, ईस्टर में वही है, जैसे इसकी भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे ईस्टर की भी, तो डायरेक्ट कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। जैसे ईस्टर इथाइल बेंजोएट, इसके डायरेक्ट क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन गया और इधर इथेनॉल बन गया। इथाइल ब्यूटेनेट है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बन जाएगा क्या, पहले इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा और इथेनॉल बन जाएगा, तो ये सिंपल सा हो गया ईस्टर की हाइड्रोलिसिस। मतलब एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड और ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करके हम क्या ऑप्टेन कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ब्यूटेन वन आल को ब्यूटेनिक एसिड में लेके जाना है, तो ब्यूटेन वन आल एल्कोहल को अगर कार्बोनिक एसिड में लेके जाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लगाएंगे, जोन्स रेजेंट सी आर ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू एस ओ फोर। सी आर ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ इसके लिए यूज करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ अब सही है, इसके लिए हो जाएगा सी आर ओ थ्री एच टू एस ओ फोर या के एम एन ओ फोर के टू सी आर टू ओ सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज यूज करना पड़ेगा, सीधी सी बात, इसको जोन्स रिजेंट बोलते हैं। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल को फेनाइल किस में लेके जाना है, फेनाइल इथेनोइक एसिड में, मतलब ये भी वही है, एल्कोहल को लेके जाना है कहाँ पे, पहले किस में, फेनाइल इथेनोइक एसिड में, तो इसका तरीका हो जाएगा क्या, ये देखो नीचे एक सोल्यूशन दे रखा है, बेंजाइल एल्कोहल को पहले क्या करेंगे, फिर किस में लेके जाएंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड में, फिर केसीएन से इसके रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजाइल साइनाइड में चला गया, ब्रोमीन को सीएन ने रिप्लेस कर दिया, इसी एड्रेस कर देंगे तो फेनाइल इथेनोइक एसिड हो जाएगा। और कई तरीके, लेकिन जो तरीका यहाँ पर दे रखा पहले वही एक लिमिट में करते हैं। अब थ्री नाइट इसमें क्या देखना, थर्ड वाले में थ्री नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड में लेके जाना है, तो देख लो थ्री नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है ये, इसका मैग्नीशियम इसे रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे आकर अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस में डाल देंगे, ग्रेनाइट बन चुका है ये, तो ये क्या बन जाएगा, पहले ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो थ्री नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
ऐसे आप एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, सिंपल सा सब है। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दिया है, बस वही कि कार्बोक्सिलेट का क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड देन एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, का होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इसमें एसोसिएशन था कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच में, उसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रा नहीं, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली इवन इन द वेपर फेज में भी ऐसा है। तो सीधी सीधी बात, कौन सी बॉन्डिंग है, इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी, हमने बता रखा है सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, या सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्काइन चेन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी डिक्रीज होती जाएगी। ये सब अभी हम अल्कोहल, फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन सब में अभी लगातार यही चीज़ बढ़ते आए हैं, तो सॉल्युबिलिटी की बात अभी नहीं, वही चीज़ सबसे में। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सॉल्युबल होता है लेस पोलर प्रोटिक, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, लाइट जल लाइक वाला फंडा है वही। ओके, चलो आ जाते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ द ओएच बॉन्ड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ओएच है उसके बॉन्ड में जो क्लीवेज होगा, उसके बीच में हमको देखना है, उसकी रिएक्शन देखनी है, ठीक है। यहाँ पर जो क्लीवेज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओएच के बीच में क्लीवेज होगा, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सोडियम मेटल, यहाँ पे आ जाएगा, जलने लग जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऐसे इसमें भी हाइड्रोजन निकल, क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ओएच और इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा, ये वाटर के रूप में निकल जाएगा, यहाँ सोडियम आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा कि हाइड्रोजन को सोडियम रिप्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन जो है किसके साथ, वाटर और CO2, HCO3 जो है, CO2 निकल जाएगा प्लस वाटर। सिंपल सी कोई भी मेटल से रिएक्शन करवाएंगे, या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड से, मेटेलिक कार्बन से रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो मेटल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। बस आगे देख लेते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के में डिसोसिएट करते हैं तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देगा। ओके, अब एसिडिटी में बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी है, बस इतना देखना है कि एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को घटाते हैं। बस अब ये थोड़ा हमने ये एल्कोहल फिनाइल ईथर में भी ये ऑर्डर देख रखा था, यहाँ भी ये ऑर्डर देख रखते हैं, इसको सीधा याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, बेंजीन सल्फोनिक, उसके बाद हो जाएगा फार्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड, देन कोई भी एलिफेटिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाल, वाटर, एल्कोहल, इसके बाद आ जाएगा एल्काइन, देन एल्कीन, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा एल्केन। ये तो नॉर्मल ऑर्डर होगा एसिडिटी का, बाकी फंडा वही है, एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर दे रखे हैं इन्होंने, CF3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरिन लगे हुए हैं, फिर उसके बाद NO2 इलेक्ट्रॉन, CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन पर ड्राइंग के हिसाब से ऑर्डर है, और अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन पर ड्राइंग ग्रुप होता है। ओके, अब यहाँ चेक करते हैं जरा सा, जैसे ये देखिए इसमें तीन CF3 लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, CCl3 लगा हुआ थोड़ा वीक इलेक्ट्रॉन पर ड्राइंग है तो कम एसिडिक हुआ, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। और यहाँ पर CaCl3 है, CaCl2 है, तो इलेक्ट्रॉन पर ड्राइंग ग्रुप वीक होता जा रहा है, तो एसिडिटी भी वीक होती जा रही है, ठीक है। तो उसी से हमको ये निकालना है ऑर्डर। ओके, बस चलिए आगे इसमें क्या देखना है हमको, हाँ ये वाला अगर देख लिया जाए, अगर इन तीनों में हमको क्या किया जाए एसिडिटी का ऑर्डर देखना हो, तो बस वही इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप किसमें लगा है किसमें नहीं लगा है ये इसी से हम पता कर लेंगे। तो इसमें देखो NO2 इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिटी तो सबसे बेकार होने वाली है, और इसमें तो दो दो इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप लगे हुए तो सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पिट ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये बीच में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये वाला, उसके बाद ये वाला, और सबसे बेकार ये वाला हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर ऐसे बन जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, फिर 4 मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड। ओके चलो आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, दो मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसको हीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब जैसे H2SO4 या P2O5, इसके साथ हीट कर देंगे। वैसे आपको पता भी होगा कि कंसनट्रेट H2SO4 और P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये वाटर को निकाल देंगे। तो दो इथेनिक एसिड लगा दिए जैसे अगल बगल, तो ये दो OH अगल बगल अगर एक साथ आ गए तो श्योर है कि वाटर निकलना है, मतलब डिहाइड्रेशन होना है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, इसका OH और इसका H,
ये वाटर रुक निकल जाएगा और फिर दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या, इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब ईस्टर बन जाएगा। इस प्रकार से ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ईस्टरीफिकेशन में क्या करेंगे, सिंपल सा भी हम लोग पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनाइल ईथर में भी, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन किसके करवाएंगे, अल्कोहल या फिनाइल के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड मतलब वही H2SO4HCl, तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा, क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता ही है तो वाटर निकल जाएगा, ठीक है, तो और ईस्टर बन जाएगा। इस प्रकार से ईस्टरीफिकेशन भी हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड भी बन गया, ठीक है, एनहाइड्राइड ऐसे बन गया और ईस्टर ऐसे बन गया अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। चलो अगला क्या दिया है, PCl5, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन PCl5 PCl3 SOCl2 थायमिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, देखो किसी से करवा, चाहे PCl5 चाहे PCl3 चाहे SOCl2, मतलब तीनों में RCOCl ही बनेगा, मतलब बट इम्पोर्टेंट इसमें ये है, अगर हमको तीनों में तो RCOCl बन रहा है ना, अब इसमें अगर हमको प्योर फॉर्म में RCOCl बनाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा SOCl2 थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन अगर कार्बोक्सिलिक करवाएंगे तो, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट में SO2 और HCl मिल रहा है ये स्केप आउट हो जाएगा, ठीक है, ये स्केप आउट हो जाएगा, गैसीय रूप में होता है, ये बाहर निकल जाएगा अपने आप, उड़ जाएगा, तो इसलिए ये होता है बेस्ट मेथड, या प्योर अगर आपको लेना है तो प्रीफर हम करेंगे ये वाला थायमिल क्लोराइड से, ठीक है, इसमें एक इश्यू बनेगा, बाकी तो प्रोडक्ट सेम है। अब एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, चूँकि स्वाभाविक सी बात है कार्बोनिक एसिड एसिड है अमोनिया बेस है, तो साल्ट क्या बन जाएगा, पहले तो अमोनियम एसिटेट बनेगा, फिर उसके बाद इसका हीट कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा एसिटामाइड। ऐसे जैसे कार्बोनिक बेंजोइक एसिड है अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनियम बेंजोइट पहले बना, फिर इसको हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा तो बन जाएगा बेंजामाइड। ओके आगे आते हैं, ये है क्या, ये बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि ये है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड का अमोनियम से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम थैलेट बन जाएगा, अमोनियम थैलेट को हीट कर देंगे तो बनेगा थैलामाइड, और थैलामाइड बगल बगल में CNH2 है तो ये भी अनस्टेबल है, स्टेबल है नहीं, इससे क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा इस टैंक हीट करने पर और बन जाएगा थैलामाइड बन जाएगा। ओके इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें जो इन्वॉल्व है COOH ग्रुप है रिएक्शन में इन्वॉल्व, अगर रिडक्शन करवाएंगे कार्बोनिक एसिड का तो प्राइमरी अल्कोहल में चला जाएगा, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है जो डाइबोरिन से बेटर होता है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या ईथर या डाइबोरिन का यूज करेंगे और हाइड्रोलिसिस भी करेंगे तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अल्कोहल में, ठीक है, और जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, याद रखना है इसको। डीकार्बोक्सिलेशन में सोडियम एसीटेट है, इसका NaOCO की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो Na2CO3 निकल जाएगा, और जितने कार्बन का सोडियम एसीटेट था मतलब जितने कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक साल्ट था उससे एक कार्बन कम का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा मतलब एल्केन बन जाएगा, तो ये हो गया क्या, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब हैलोजनेशन में देखेंगे, हैलोजनेशन में निमेरिशन ये भी है, HCVHZ इसको बोलते हैं, मतलब हेल होल हार्ड जेलेंस की रिएक्शन, इसकी कंडीशन ये है, ऐसा कार्बोनिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन और हैलोजनेटेड एट द अल्फा पोजीशन, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जैसे मान लो कार्बोनिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन रेड फास्फोरस से हाइड्रोसिस कर देंगे तो बन जाएगा अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा जो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देगा हैलोजन, वहाँ पे एक हैलोजन आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हैलोजन आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हेल होल हार्ड चैलेंज की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फेडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे, तो हमने फिर से बता दिया जैसे CHCHO हुआ COOH हुआ, ये कैसे ग्रुप होते हैं, मेटाडाइटिंग ग्रुप होते हैं तो पहले तो ये तो नाइट्रेशन करवाएं इन्होंने COOH कंसंट्रेटेशन N3OH कंसंट्रेटेशन सुपर की रिएक्शन करवाएं तो N2 मेटा पे आके लगा है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना है, ऐसे इसका ब्रोमिनेशन करवाएं मतलब सॉरी ब्रोमिनेशन नहीं करवाएं मतलब ब्रोमिन FeBr3 की रिएक्शन करवाएं हैं प्रेजेंस में तो ब्रोमिन कहाँ पे आके लगा है, मेटा पे आके लगा, क्योंकि COOH जो है मेटाडाइटिंग ग्रुप होता है, इसमें यही देखना था बस। अब आते हैं यूज, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कहाँ होता है, जैसे मेथनोइक एसिड का यूज रबर टेक्सटाइल डाइंग लीदर एंड इलेक्ट्रोप्लाटिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, इथेनोइक एसिड विनेगर इन फूड इंडस्ट्री में किया जाता है एज ए विनेगर, हेक्सेन डाइओइक एसिड नायलॉन 6C जब हम बनाते हैं तो दो चीज़ लेते हैं ना क्या, एडिपिक एसिड जिसको बोलते हैं हेक्सेन डाइओइक एसिड और दूसरा देखते हैं हेक्सामेथिल डाइएमीन, तो नायलॉन 6C बनता है।
अच्छा, ईस्टर ऑफ द बेंजोइक एसिड परफ्यूमरी में यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोइट फ्रूट प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है, हाई फैटी एसिड सॉप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू।